चाहती हूँ आप सभी का आपके अपना परिवार माधव एनसीईआरटी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, सुबह से हमने वीडियो नहीं बना पाए। ओएफएसएस पर आप इंटर मेरिट लिस्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको दो तरीका हम यहाँ पे बताने वाले हैं और दोनों तरीका से आप डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। डाटा यहाँ पे काफी स्लो चला है, जिसकी वजह से आप देख पा रहे हैं कि आपको हम सही से डाउनलोड करके नहीं बता पा रहे हैं। तो आप लोग को क्या करना है, सीधे गूगल पे आ जाना है और डायरेक्ट लिंक आपको मिलेगा, जहाँ से एक क्लिक करने के साथ ही आपका डाउनलोड हो जाएगा। गूगल पे आकर के आपको सर्च कर लेना है माधव एनसीई आरटी क्लासेस, NCMADHAV, माधव NCERT क्लासेस। इस चीज को आपको गूगल पे सर्च कर लेना है। देखिए, हम यहाँ पे जो प्रोसेस आपको समझाने वाले हैं वो जेन्युइन तरीके से बताने वाले हैं, कोई यहाँ से फेक नहीं है या फिर कोई फर्जी नहीं है। तो आपको सर्च कर लेना है, सर्च करेंगे तो थोड़ा देर आपको वेट करना है, ऐसा पेज ओपन होगा। होम वाले पेज पे आपको क्लिक कर लेना है, होम पेज आपको जहाँ पर भी मिले क्लिक कर लेना और यहाँ पे आ जाना, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आ जाना लेटेस्ट अपडेट में, ठीक है, या आपको यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको सर्च बटन मिल रहा होगा, ठीक है। इस सर्च बटन पे आपको क्या करना होगा, एक छोटा सा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको लिख देना है बिहार बोर्ड। यहाँ पे आपको सिंपली क्या लिखना है भाई, बिहार बोर्ड, और सर्च कर देना है। जैसे आप इसको लिख करके सर्च करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होता है। पहला पेज पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे आ जाना। देखिए, डायरेक्ट हम आपको डाउनलोड लिंक पर ले जाएंगे, ठीक है। और डाउनलोड करने के बाद कितना पेमेंट आपको पैसा देना होगा, तो लगभग आपको, देखिए, प्राइवेट कॉलेज में अगर नामांकन लेते हैं तो इसके लिए आपको कम से कम 2000 से 3500 रुपया आपको देना पड़ सकता है चार्ज। वहीं अगर सरकारी कॉलेज में रहते हैं तो आपको 1000 से 1500 में आपका काम फ्री आ जाएगा। तो ये आपको जो है बिल्कुल हम बता दिए। आधार कार्ड से लेकर के आपको यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है नामांकन में, इसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी ही गई है, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं और नीचे चलते हैं, डायरेक्ट लिंक पर आ जाते हैं हम लोग। डायरेक्ट लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, कैसे चेक करना है, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। लिंक वन, लिंक टू, दोनों लिंक काम कर रहा है। तो जिस लिंक से आप डाउनलोड करना चाहते हैं कर सकते हैं। एक लिंक से डाउनलोड करेंगे तो रिफ्रेश नंबर से, और एक से करेंगे डाउनलोड तो वहाँ पर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड आपको भरना होगा। मतलब कि आपको वहाँ पे नाम, मोबाइल नंबर भरना होगा और पासवर्ड भरना होगा। तो इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा डेट नेट जो है ख़त्म हो चुका है, आप लोग एक बार डाउनलोड कर लीजिए। फिर से हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।